विश्व के ख्यात बराड़ा में रावण के पुतले का दहन पिछले 3 वर्षों से नहीं हो रहा था। उसका कारण बराड़ा के ग्राउंड में जगह कम होना था और पिछले 3 वर्षों से पंचकुला में रावण के पुतले का दहन किया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर अंबाला के बराड़ा में 100 फुट के ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। कोरोना महामारी के वजह से 2020 में कहीं भी दशहरे का आयोजन नहीं हो पाया ज़्यादातर जगह पर, तो उस बात को लेके पब्लिक को बहुत अफसोस था, क्योंकि एक हमारी प्राचीन परंपरा है ये जो दशहरा पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो हम रावण का सबसे बड़ा ऊंचा पुतला बनाने के वजह से पूरी दुनिया के बीच में बराड़े का नाम रोशन कर पाए थे, तो बराड़े का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पुतले के रूप में जाना जाता है। यहाँ ग्राउंड ना होने की वजह से हमें ये प्रोग्राम चंडीगढ़ में शिफ्ट करना पड़ गया था, तो पिछले 3 सालों से यहाँ पर रावण के पुतले का निर्माण होना बंद हो गया था। अब यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की बहुत दिली ख्वाहिश थी कि वो आयोजन, जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन था दशहरे का, वो यहाँ दोबारा आयोजित होना चाहिए। उसके लिए यहाँ के जो समाज सेवी हैं उन्होंने बहुत प्रयास करके मेरे श्री रामलीला क्लब के जितने भी मेरे कलाकार हैं उनको कहा कि यहाँ पर दशहरे का आयोजन दोबारा शुरू करें। तो फिर 1 महीने का वक्त लगा हमें इस रावण के 100 फुट के पुतले का निर्माण करने में। दिन रात डे एंड नाइट शिफ्टों में हमने इस काम को करके मेरे लगभग 40 आदमियों की टीम लगी रही इसको बनाने में, और आज ये पुतला यहाँ पर स्थापित है, जो अब से कुछ ही देर बाद रिमोट कंट्रोल के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि इसका दहन करेंगे। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।